तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा कोटा फैक्ट्री सीजन टू के बारे में। इसका जो सीजन वन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, टीवीएफ के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर 5 एपिसोड हैं और इस सीजन के अंदर भी 5 एपिसोड हैं। लेकिन इस सीजन को देखने के लिए, इसका सेकेंड सीजन देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी होगा। ओके, अब इस सीरीज की जो कहानी है कि IIT में एडमिशन लेने के लिए जो बच्चे एक पेपर की तैयारी करने जाते हैं, एक एग्जाम क्रैक करना होता है, अब वो एग्जाम क्रैक करने के लिए वो कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर वहां पर प्रिपरेशन करते हैं, कोटा में जाते हैं वहां पर, तो उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मानसिक रूप से कितना मतलब अपने आप को सहना उनको पड़ता है, तो ये सारी चीजें इस सीरीज के अंदर दिखाई गई है। ओके, फर्स्ट सीजन के अंदर जो स्टोरी थी उसको सेकंड सीजन के अंदर कंटिन्यू रखा गया, यानी आपको फर्स्ट सीजन देखना जरूरी है। मुझे फर्स्ट सीजन के कंपैरिजन में सेकंड सीजन काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसके अंदर डीपली चीजें दिखाई गई हैं। अब जैसे बच्चों के दिमाग में उठ रहे सवाल कि क्यों IIT करें, क्या IIT करना जरूरी है, अगर IIT क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, अरे लोग छोड़ो यार, खुद का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। भले ही आप IIT कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तब भी जाकर आप ये सीरीज देखो। आप अपनी लाइफ के अंदर एग्जाम तो देते होंगे, जरूरी नहीं कि वो IIT से रिलेटेड हो, और भी एग्जाम हो सकते हैं। तो क्या होगा अगर वो एग्जाम क्लियर नहीं होता, क्या एक एग्जाम हमारी लाइफ को डिसाइड कर सकता है, और वो एग्जाम क्लियर नहीं होता तो क्या हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। अरे पहले IIT नहीं था तब भी लाइफ अच्छे से चल रही थी। पिछले सीजन के अंदर जीतू भैया को इतना कुछ बोलने के लिए नहीं दिया गया था जितना सेकंड सीजन में दिया गया है, और जो काफी ज्यादा पसंद आया, एक तो उनके जो डायलॉग लिखे गए हैं और उन डायलॉग को जिन्होंने मतलब जिस तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया, उससे एक लाइफ का लेसन सीखने में बहुत कुछ हमें मिलता है। एक अध्यापक का दायित्व होता है कि वो अपने विद्यार्थियों को समझाए अगर वो फेल हो जाते हैं, कि भैया ये एग्जाम इंसानों ने ही लिखा है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भगवान ने एग्जाम नहीं लिखा है, अगर इसको क्लियर नहीं किया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। लाखों बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन सीट्स जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, यानी कुछ हजारों में ही सीट होती हैं। इसका मतलब कुछ बच्चों को ही जगह मिल पाती है और बहुत सारे बच्चों को सीट नहीं मिल पाती। कुछ बच्चों के मां बाप उनको संभाल लेते हैं, कुछ के अध्यापक उनको समझा देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं, और ये सारी चीजें इस सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इन सब के अलावा इस सीरीज के अंदर कॉमेडी, इमोशन, फ्रेंडशिप, इन सब के ऊपर भी फोकस किया गया है, और इस बार तो जीतू भैया का स्ट्रगल भी हमें देखने को मिलता है। एक लाइन उनकी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, जब यहां पर अपनी क्लास में खड़े हुए होते हैं तो इनके सामने एक बच्ची रो रही होती है, तो वो रोते रोते कहती है कि भैया मुझसे एग्जाम नहीं दिया जाएगा क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो यहां पर जीतू भैया उनसे कहते हैं कि यार हम 32 के होकर अब गियर अप कर रहे हैं और तुम 17 साल की होकर अगर गिव अप कर दे रही हो तो ऐसे कैसे चलेगा। और एक बात जो उन्होंने बोली थी कि हाँ IIT करें ही क्यों, IIT करने के पीछे रीजन क्या है। देखो IIT करने के पीछे जो उन्होंने जो रीजन दिया, वो जो डायलॉग मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये टफ है और टफ चीजें करने से कॉन्फिडेंस आता है। इस सीरीज की एक और जो अच्छी बात मुझे लगी कि इसके अंदर जितने भी करेक्टर हैं सबको एक समान इंपॉर्टेंट दी गई है। मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर करेक्टर है उसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर दिया, दूसरे को टाइम नहीं दिया गया, नहीं, सबको एक समान टाइम दिया गया है, सबकी अपनी कहानी है, सबका इक्वल दर्जा है, और सब कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया दिया। और पर्सनली मुझे जीतू भैया का जो करेक्टर है जिसको प्ले किया जितेंद्र कुमार जी ने, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, जैसे उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया है, उनको संभाला है, उनको समझाया है, वो चीज देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। उनकी बातें जब मैंने सुनी हैं, जिस तरीके के डायलॉग जो लिखे गए हैं वो बहुत बढ़िया हैं, यानी हमें संतुष्टि मिल जाती कि इसके बाद तो हमारे मन में कोई भी सवाल नहीं बच जाता है। और इस सीरीज के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी कमाल का है, बोले तो इस सीरीज में हर चीज है, मतलब इमोशन, जैसे मैंने कहा इमोशन है, फ्रेंडशिप है, कॉमेडी है, मोटिवेशन है, लाइफ का लेसन है। तो फिर से कह देता हूं, अगर आप लोग IIT कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तब भी ये सीरीज जाकर देखो, लाइफ का एक लेसन सीखने को मिलेगा। आप लाइफ में बहुत सारी चीजें करते भी होगे तो वहां पर आप हार मानने की कगार पे भी हो गए होगे कि यार मैं मुझसे ये चीज नहीं होती है, आप गिव अप करने की सोच रहे होते हैं, तो अपनी जिंदगी को खत्म करने की काफी सारे जो कोशिश कर रहे हैं हम सुनते भी आ रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी बताने के लिए। देखो एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो उसका दुख होता है, उदास होते हैं क्योंकि मेहनत की नहीं हुआ, ऑब्वियसली ये तो यार ह्यूमन फैक्टर है। अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं, दुख नहीं हो रहे, उदास नहीं हो रहे, रो नहीं रहे, तो भाई केमिकल लोचा है, ये सब चीजें
होनी जरूरी है। काफी टाइम से इसके सेकंड सीजन का इंतजार था और जितनी उम्मीदें लगा रखी थी उससे भी काफी ज्यादा बढ़िया इसने परफॉर्मेंस दी है और थर्ड सीजन के ऊपर इस पे काम स्टार्ट हो चुका है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भैया, अभी और भी आने बाकी है, तो मतलब उसका बेसब्री से इंतजार है। जिस मोड पर खत्म हो रहा है सेकेंड सीजन, अब थर्ड सीजन आएगा, तो मेरी तरफ से इस सीजन को या पूरी इंटायर सीरीज को मेरी तरफ से मैं दूंगा 10 out of 10। अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सीजन देखा होगा तो आप इसका सेकंड सीजन देखे बिना रह नहीं पाओगे, और जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा इसके बारे में तो जाकर देखो यार, बहुत बढ़िया, एक मास्टरपीस कह सकते हैं, अच्छी सीरीज है, अच्छी क्या, अच्छी से बहुत अच्छी सीरीज है, 10 out of 10 बोला है तो जाकर देखिए। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।